मुंगेली के 100 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल अपनी बदहाली को लेकर इन दिनों खुद ही बीमार नजर आ रहा है। दरअसल अस्पताल बनने के 5 साल बाद यहाँ प्रसव सर्जरी की सुविधा प्रारंभ की गई थी, मगर ऑपरेशन थिएटर में पानी के रिसाव होने की वजह से काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। रेफर सेंटर के नाम से बदनाम मुंगेली का जिला अस्पताल अव्यवस्थाओं को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहता है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के फटकार के बाद भी यहाँ का व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि प्रसव कराने पहुँचे मरीजों को व्यवस्था का हवाला देकर यहाँ के स्टाफ निजी अस्पताल का रास्ता दिखा देते हैं। सब कुछ जानते हुए भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसर न तो यहाँ के बेलगाम डॉक्टरों पर लगाम लगाने की कोशिश करते हैं और न ही व्यवस्था में बदलाव के लिए रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के प्रयास से अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति व अव्यवस्थाओं में कुछ हद तक सुधार जरूर हुआ, जिसके बाद यहां प्रसव सर्जरी जैसी सुविधा प्रारंभ हुआ, मगर कुछ ही दिनों बाद नवनिर्मित करोड़ों की लागत से जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में पानी का रिसाव होने के चलते ये सुविधा भी अब ठप हो गया। स्थिति यह है कि प्रसव की आस लिए यहाँ पहुँच रहे मरीजों को अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह कि अब मरीजों को निजी अस्पताल में जाकर मोटी रकम भी गंवाना पड़ रहा है। मुंगेली से एक्सप्रेस रिपोर्टर रोहित कश्यप।